सेना में अफसर बनने की राह पर 15 बेटियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामनाएं देकर बढ़ाया मनोबल। पुणे के खड़कवासला में गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए की महिला कैडेटों के पहले बैच ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने मार्चिंग दल में शामिल महिला कैडेट की भागीदारी की सराहना की। मुर्मू ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए सभी महिला कैडेट को शुभकामनाएं दी और कहा कि बेटियों को अपनी पसंद का करियर चुनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पासिंग आउट परेड में लगभग 15 महिला कैडेट ने पुरुष समकक्षों के साथ भाग लिया। उन्होंने मित्र देशों के विदेशी कैडेटों को भी कोर्स पूरा करने पर बधाई दी। राष्ट्रपति ने कैडेटों से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए नई तकनीकों को सीख कर आगे बढ़ने के लिए कहा और कहा कि मुझे यकीन है कि महिला कैडेट भविष्य में एनडीए और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम दुनिया एक परिवार है की परंपरा का पालन करते हैं, लेकिन हमारी सेना किसी भी बाहरी या आंतरिक स्थिति का सामना करने में पूरी तरह सक्षम और तैयार है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान उपस्थित थे। एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि देश के प्रमुख एनडीए खड़कवासला में पिछले साल 19 महिला कैडेट का पहला बैच शामिल हुआ, जिनके सैन्य सह शैक्षणिक प्रशिक्षण का यह दूसरा वर्ष है। दूसरे और तीसरे वर्ष के कैडेट पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेते हैं।